इंदौर की मदद को आगे आए सोनू सूद, 10 ऑक्सीजन जेनरेटर एक अस्पताल को भेजा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे तो वहीं कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। सोनू सूद पिछले एक साल से जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं और अब उन्होंने इंदौर वासियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, वहां कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में सोनू ने उनकी मदद के लिए 10 ऑक्सीजन जेनरेटर भेजा है। सोनू ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि वो इंदौर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और फिर इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि इंदौर के लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इंदौर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी है और इसके लिए उन्होंने उनके लिए 10 ऑक्सीजन जेनरेटर भेजने और उन्हें इस मुद्दे से निपटने में मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने सभी से अपनी देखभाल करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक वैष्णवी नाम की लड़की की माँ की मदद की है। वैष्णवी ने ट्विटर पोस्ट के जरिए सोनू का धन्यवाद भी कहा है। सोनू ने उनकी माँ के बहुत जरूरी इंजेक्शन भिजवाए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने में उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। वो उनके लिए बसों से लेकर खाने पीने की चीजों तक का इंतजाम कर रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की वजह से हर ओर उनकी तारीफें हो रही हैं और ट्विटर पर सोनू सूद सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। लोग उन्हें लॉकडाउन का हीरो बता रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में सोनू सूद ने अमृतसर में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन ड्राइव की भी शुरुआत की।